91.9 फ्रेंड्स एफएम, मेरा नाम है निमेश। बातें होने वाली है हमारी बिग बॉस 10 के घर से एलिमिनेट हुए साहिल के साथ। साहिल को मैं कॉल लगाने वाला हूँ। 1 2 3 हियर वी गो। हेलो, हाय साहिल, आरजे अनिमेश बोल रहा हूँ 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता से। हाँ जी, सबसे पहले साहिल बता दूं, बहुत अपसेट हम हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए आप। एक छोटी सी जर्नी आपकी रही, लेकिन बिग बॉस के घर में कैसा लगा, कहाँ पे चूक रह गई, सब कुछ हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जी मेरा, मैं जैसा इंसान हूँ मैं बहुत ही पॉजिटिव, और मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि जो लड़ाइयाँ रोकता है राधर में लड़ाइयों में मिर्च मसाला डालना, तो मैं वही कुछ कर रहा था और बहुत ही स्वीट सिंपल इंसान हूँ। तो अब पता नहीं है कि कहाँ कैसी चूक होगी, मगर मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा करने की कोशिश कर रहा था, लोगों को सुधारने की कोशिश कर रहा था उसमें, चाहे गुरु जी हो उनको, तो वो औरतों के बारे में इतनी मतलब वो बोलते हैं, वो ठीक करा मैंने उनका, बहुत कोशिश भी करी, फिर लोपा और बानी के बीच में ठीक करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं मैं सबको एक जोड़ के चलना चाहता था और वही कोशिश कर रहा था, और वो पता नहीं कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया क्या हुआ, और सफर बहुत ही छोटा हो गया मेरा अपने आप। देखो साहिल, हमने आपको घर पे देखा कि आप सबके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे जो लोग गलतियां कर रहे थे उनको आप समझा भी रहे थे। ये स्ट्रेटेजी काम नहीं की, लोग क्या इस चीज को वोट इसी कारण से कम मिले? जी मैं मे भी हो सकता है कि लोगों को सिर्फ अब जैसे गुरुजी घर में है या प्रियंका जग्गा घर में है, तो मेरे ख्याल से शायद लोगों को वही देखना है लड़ाइयाँ। अगर मैं बाहर आकर मुझे समझ में आया कि ये तो मेरा कुछ दिखाया ही नहीं क्या, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बाहर सिर्फ लड़ाइयाँ और झगड़े दिखाने थे तो फिर मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया जल्दी, क्योंकि ये चीजें मैं रोकता हूँ रादर देन इसको बढ़ाता हूँ। तो मैं लड़ाइयाँ कभी बनाता नहीं हूँ या लड़ाइयाँ करने में घुसता नहीं हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लड़ाइयाँ रुकें, और लोग अगर कोई मुझे सुना भी रहा है बेफालतू में तो मैं उनको इग्नोर करता हूँ। जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, वैसे एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और आपकी गाड़ी के पीछे कभी डॉग भागता है जी, तो कभी आपने गाड़ी रोक कर डॉग के पीछे भागे हो? कभी नहीं ना। नहीं, तो आप वही है मेरा कि मेरे बोलते रहते थे मेरे को, मगर मैं जहाँ मुझे लगता था कि मैं सही हूँ तो मैं वहाँ पे खड़ा रहता था, और मैं कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता था क्योंकि मुझे पता कि रिएक्शन और बढ़ते 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 कहाँ चल जाएंगे। तो मेरा यही था कि मैं जैसा हूँ स्वीट हूँ, और वैसे भी सारे मुझे एंड सेकंड वीक में इतना प्यार करने लगे थे क्योंकि मेरे से लड़ता ही नहीं था, कुछ मुझे बोलते नहीं था, क्योंकि मैं सबके सब मुझे बहुत स्वीट स्वीट कहने लगे थे। जी बिल्कुल। वैसे मुझे बताइए कि ये जो सफर आपका रहा, क्या सीखा आपने बिग बॉस के घर के घर में जाने से पहले या बिग बॉस के घर से निकलने के बाद? जी मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ। मैं बर्तन मांजने सीख लिए, मैंने खाना काटना सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया, बाथरूम साफ करने सीख लिया, अपने कपड़े धोने सीख लिए, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये भी सीखने को मिला कि लाइफ में जो मतलब आप जब आम जिंदगी जी रहे होते हैं तब आपको सामने सामने नहीं आते आपके दुश्मन, हमेशा आपको पता भी नहीं चलता, कई बार कुछ हो जाता है और आप कहते हैं यार ये किसने करा होगा, ये किसने करा होगा, मगर बिग बॉस के घर में आपको समझ में आता है कि वो 10 लोगों में से ही किसने करा होगा, और आप हमेशा मतलब उनके साथ ही रहते हो, उनके साथ उठ रहे बैठ रहे खेल रहे हो, बट कहीं ना कहीं वो आपके पीछे बैक बिचिंग भी चल रही है, आपके पीछे आपकी दूसरों के साथ बातें कर रहे हैं, आपको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वोट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही छोटे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसी दुनिया है, और बाहर कैसे ही है कहीं ना कहीं, मगर बाहर आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप हमेशा सोचने में लग जाते हैं कि यार किसने करा होगा क्या हुआ होगा, बहुत कम होता है कि वो लोग आपके सामने आ पाते हैं। यहाँ पे आपको पता है वो आपके सामने हैं, आपके साथ सो रहे हैं, आपके साथ खा रहे हैं पी रहे हैं, तब भी आपको उनके साथ रहना, तो आप सोच सकते हैं कैसी फीलिंग आती है, और सीखते हैं इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सीखता ही है कि कैसे स्ट्रांग रहना है ऐसी सिचुएशंस में। बिल्कुल साहिल, वैसे मुझे ये बताइए कि जब 24 घंटे की चीज को हम सिर्फ 40-45 मिनट में देख रहे हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो एक्टिविटीज थे वो नहीं दिखाए गए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोग क्या किया करते थे? घर तो काफी अच्छा है, काफी मजेदार है, हम जो टीवी पे देख रहे हैं, कुछ बताइए कहाँ क्या चीज है, क्या क्या चीजें मिसिंग है और कैसा लगता है उस घर में? जी हम बहुत से गाने गाते हैं, हम डांस करते हैं, अपने आप ही गाते हैं, कोई गाता है और हम सारे डांस करने लग जाते हैं, या कभी कभी बाहर से कुछ आवाज आ रही होती है जैसे कि कोई ढोल बज रहे थे, कभी मंदिर की घंटियां बज रही थी, तो हम सोचो हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पे डांस करते हैं कि अलग अलग स्टेप्स करें या कुछ करें, अपनी बाहर की लाइफ के बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करते हैं, एक दूसरे को जानने की और कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो हम एक वाइल्ड कार्ड एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ ऑलरेडी
ऑलरेडी लोग एक तरह से कहते हैं ना कि प्लेन है वो पहले रनवे पे चलता है फिर टेक ऑफ करता है फिर हवा में जाता है, हम ऑलरेडी तो टेक ऑफ हो चुके थे, लोग अपने आप बैठ चुके थे प्लेन के अंदर और आसपास के लोग भी चूज कर चुके थे कि ये हमारे साथ है ये हमारे साथ है, तो हमारे लिए ऐसी सिचुएशन में आना बहुत मुश्किल था, बट कोशिश करते रहे और मगर फिर भी मैं आपको कहूंगा ऐसे सब कुछ होने के बाद भी बहुत लोग क्लोज हो सके। मैं आज कह सकता हूँ कि मैं अंदर से मैं गौरव चोपड़ा जी को कभी नहीं जानता था, बट आज वो उन्होंने उनकी खुद की लास्ट वर्डिंग थी कि तू मेरे दोस्त जैसा नहीं तू मेरे छोटे भाई जैसा है। राहुल जी के साथ बहुत अच्छी मेरी बॉन्डिंग हो गई थी, वानी के साथ ऑलरेडी पहले से थी, तो लोपा के साथ भी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, तो बहुत कम वक्त मिला मगर बहुत अच्छे दोस्त भी पाकर आया हूँ मैं अंदर से। क्या बात है। तो अब मैं आपको चाहूंगा कि मैं कुछ नाम आपको बताऊं और आपके आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहे हैं क्या शब्द आ रहे हैं वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे। जी जी सबसे पहले स्वामी जी, इनको इनको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है लेकिन एंटरटेनर है जी, वो तो है वो तो है, मगर कई चीजें आपको अंदर नहीं पता चलती, तो वो एंटरटेनर है कहीं ना कहीं, बट देन बहुत सी उनकी अलग साइड भी है, बहुत सी अजीब चीजें भी हैं जो मैं कहना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, मैं कह नहीं सकता हूँ, बट देन मैं भी मीडिया हम डरते थे अंदर, पता है आपको बोलने की जरूरत हाँ, हम डरते थे अंदर उनके सामने, कई बार डर लगता था जी। मोनालिसा स्वीट है मगर बहुत बहुत स्मार्ट भी हैं, मतलब थिंकिंग बहुत स्मार्ट है उनके दिमाग से, मतलब स्वीट दिखती हैं बनती हैं, मतलब पता नहीं मुझे, मैं उनको समझ नहीं पाया okay. दो ही करेक्टर हाँ, दो लोगों को मैं समझ नहीं पाया वैसे अंदर दो हाँ. कौन है ये एक हो गई, दूसरा रोहन जी, रोहन के बारे में क्या कहेंगे, रोहन के बारे में मेरे को समझ ही नहीं आया वो, मतलब कभी कुछ कभी कुछ कभी कैसी रिएक्शन, कभी उसकी अपनी ही वर्ल्ड है अपनी ही थिंकिंग है कि वो उसी पे चलता है चाहे वो गलत हो सही हो, समझ नहीं आता उसके बारे में मेरे को, मैं समझ ही नहीं पाया और मैं समझना भी नहीं चाहता था उसको बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आप बानी को पहले से पहचानते थे, बानी के बारे में क्या कहेंगी, जो जैसे उनकी अभी हम देख पा रहे हैं उनको बिग बॉस के घर में, कुछ कहना चाहेंगे? जी वो एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे वो देखने के, जैसे वो 10 साल पहले थी वैसी की वैसी है, वो रिएक्ट बहुत करती है और जब वो फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी होती है तो फ्रस्ट्रेशन में उसके वो गुस्सा या लड़ाइयाँ हो जाती है उससे, तो ये गलत है ना। आप बिग बॉस के घर में जब जा रहे हो आपको पता है कि आपको आपको लोग प्रोवोक करेंगे, तो कोई अगर रिएक्ट करता है तो ये उन्हीं को नुकसान होगा, आपको क्या लगता है? जी बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मगर अब वो समझे जितना, क्योंकि उसको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो ऐसे गुस्सा होती है तो उसको स्पेस चाहिए होती है, वो एक ऐसी लड़की जिसको स्पेस, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा होता है तो मेरे को कोई इंसान चाहिए साथ में जो मेरे को काम डाउन करे कूल डाउन करे, वो उसको हमेशा ना स्पेस चाहिए होती है, तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा वो लूज कर जाती है अपनी पेशेंस, एंड जब तक हम आते हैं पिक्चर में संभालने के लिए तो थोड़ी देर हो जाती है जी। ओके चलिए अब मुझे आप बताइए आपके प्रेडिक्शन क्या रहेंगे, टॉप 3 में कौन नजर आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? जी टॉप 3 में मेरे को लगता है अगर बानी मेंटली स्टेबल रहेगी और मेंटली ठीक रहेगी, या क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट है अभी, तो बानी गौरव बानी होगी, अगर बानी नहीं तो गौरव छोड़ा और बाकी वहां से मन्नू और मनवी। अरे वाह, आपको क्या कोलकाता की क्या कौन सी मिठाई है जो ज्यादा पसंद है? रसगुल्ला मेरे को बहुत पसंद है, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैं मोस्टली अगर बॉम्बे में भी खाता हूँ तो वहीं की जो वो गिली गिली वो वाली क्या नाम है उसका, मैं रसगुल्ला ही मेरे को फेवरेट है मेरा फेवरेट। अगर जैसे कि आपने प्रेडिक्शन की ये अगर सही हो गया और आप कोलकाता आए तो मैं आपको ठूस ठूस के रसगुल्ले खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच। आपको सुन रहे कोलकाता में, इस बार सुन रहे आपके फैंस सुन रहे, उन सभी से कुछ कहते जाइए। मैं अपने सारे फैंस को यही कहना चाहूंगा कि थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। मुझे पता है कि कहीं ना कहीं आप सब डिसअपॉइंटेड होंगे कि मेरी जर्नी बहुत ही शॉर्ट थी, बट मैं क्या करूं, मैं बहुत ही सिंपल इंसान हूं, मैं लड़ाइयां करता नहीं हूं, मैं रोकता हूं, तो अगर यही चीजें नहीं दिख पाई हैं बाहर तो, और मैं बाहर आ गया तो आई एम वेरी सॉरी, बट मैं आपको हमेशा एंटरटेन करता रहूंगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ और वो है मेरी एक्टिंग स्किल्स, तो जरूर आप मेरे को जल्दी देखेंगे बड़े पर्दे पर या छोटे पर्दे पर, जिससे भी आप जरूर जल्दी देखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलिए थे हमारे साथ बिग बॉस 10 के घर से एलिमिनेट हुए साहिल, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। सुनते रहो साथ रहो।